ठीक है, ये चेक करो। और मैंने ग्रिप भी नहीं लगाई, लेज़र यूज़ कर रहा हूँ। 10 मिनट की डीडीएम के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 3% बैटरी गिरी है। लिटरली मैंने नहीं देखा आज तक ना सोनी में ना एक्वास में कि इतनी कम बैटरी गिरी। अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो भैया, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एकदम फिट। तो भाई, आज आपका भाई आ गया आप लोग के लिए एक और डिवाइस लेकर, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में और थंबनेल में तो देख लिया होगा। हाँ तो भाई, आज आपका भाई आया आप लोग के लिए सोनी एक्सपीरिया XZ1 लेकर, जो बहुत ही सस्ती डिवाइस है और मतलब बहुत कमाल कमाल फंक्शन है इसमें। आप लोग को हर एक बात बताऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा, प्लस पबजी टेस्ट भी करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाई, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इसका रिव्यू करने से पहले आप लोग को बाकी डिवाइसेस दिखा देता हूँ जो हमारे पास आज अवेल हैं। सोनी एक्सपीरिया XZ3 जो इससे ऊपर का मॉडल है, इसके बाद XZ2 है, देन XZ3 है। अच्छा, ये आप लोग को नॉन पीटीए मिलेगी, बट XZ3 पीटीए अप्रूव होती है। XZ3 में हमारे पास दो तीन चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रेश में भी है, कंडीशन में भी है, स्क्रैचेस में भी है, शेड में भी है। तो जो भी चाहिए होगा आप लोग को मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आ जाना, नंबर आप लोग के सामने चल रहा है, या इसके अलावा कोई और डिवाइस हो जिससे कोई भी डिवाइस चाहिए आप लोग को, व्हाट्सएप पर आ जाना, मिल जाएगी। और ये एक्सपीरिया XZ3 का स्क्रैचेस वाला, बट इसके ऊपर हम लोगों ने मेट पन्नी और बैक कवर वगैरह लगा के दिए हुए, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है आप लोग के सामने। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो सिर्फ 500 रुपये खर्चा है इस चीज़ का, मेट पन्नी प्लस बैक कवर का, आप लोग को दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और ये हमारी सबसे अच्छी डिवाइस, मतलब जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली डिवाइस, शार्प एक्वास R2, एंड देख रहे कंडीशन वगैरह आप लोग के सामने है। इसमें भी अगर आप लोग हल्की कंडीशन लोगे तो आप लोग को पैसे छोड़ दिए जाएंगे, थोड़ी बहुत कंसेशन दे दी जाएगी। और ये कन्वर्टर प्रीमियम क्वालिटी का कन्वर्टर और ये नॉर्मल क्वालिटी का कन्वर्टर, दोनों सोनी एक्सपीरिया XZ3 के लिए हैं। सम कुछ लोग R2 पे भी यूज़ करते हैं। और ये हमारा फास्ट चार्जर, 4 एम्पीयर केबल, 3 एम्पीयर का डॉक, ये भी आप लोग को साथ मिल जाएगा अगर आप लोग को चाहिए होगा। तो खैर भाई, चलते हैं हमारे आज के मोबाइल की तरफ, सोनी एक्सपीरिया XZ1 की तरफ। लेट्स सी इसमें हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या सपोर्ट करता है ये हमें। सबसे पहले इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो मेरा अपना ही थंब लगा हुआ है, चेक करता हूँ। मेरा राइट थंब लगा हुआ है ये वाला, आप लोग खोल के दिखाता हूँ। 30 सेकंड के बाद होगा आई थिंक, तभी कोई मसला होगा। तो खैर, ऐसे चेक कर लेते हैं, मैं आप लोग को दोबारा दिखाता हूँ। मैं राइट हैंड से वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, सबसे पहले जहाँ तक इसकी बॉडी की बात की जाए भाई, इसके जो फ्रंट का गिलास है वो गोरिल्ला गिलास 5 यूज़ किए गए, एलुमिनियम की बैक है, एलुमिनियम का फ्रेम है। आप लोग जब हाथ में लोगे आप लोग को खुद फेस हो जाएगा, मतलब फील हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत सेट है। देखो, इतना सस्ती डिवाइस है। और इसके जहाँ तक बात की जाए, कैमरा इसका बहुत प्यारा है भाई, इसका कैमरा बहुत लश है। फिलहाल मैं रूम में हूँ तो मैं आप लोग कैमरा दिखा नहीं सकता, बट मैं आप लोग को ऐसे बता देता हूँ कि 19 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है बैक कैमरा, 19 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है, और जो 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। और जो फ्रंट कैमरे की जहाँ तक बात की जाए, 13 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है, और 1080p 30 FPS तक वो भी रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो। जहाँ तक इसके भाई स्नैपड्रैगन की बात की जाए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड ये इसकी स्टोरेज 4 GB रैम है, 64 GB इसकी स्टोरेज है। फिंगरप्रिंट हमें इसमें मिलता है, वो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड जहाँ तक भाई इसकी स्नैपड्रैगन की बात कीजिए, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 835 है, अर्डुइनो 540 है, जो मतलब काफ़ी अच्छा है। इतनी रेंज में ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, आप लोग को भी इस बात का अंदाज़ा है। एंड इसके अलावा इसमें हमें 3-4 कलर मिलते हैं, वो भी आप लोग को मिल जाएंगे अगर आप लोग को चाहिए होगा। सबके सब कलर मिल जाएंगे, नंबर मैंने आपको दे दिया, व्हाट्सएप पर आ जाना, मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी होती है। और जहाँ तक इसकी बैटरी की बात की जाए, 2700 mAh इसकी बैटरी है, 18 वाट, 3 एम्पीयर की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है भाई, ये तो कोई इशू वाली बात भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात इसमें हमें, चलो पबजी स्टार्ट करते हैं, देन साथ में बाकी बातें करते हैं। हमारी जब तक पबजी हो रही स्टार्ट, इसमें हमें जो मिलता है भाई, ये देखो, इसमें हमें 3.5 mm जैक मिलता है, जो नॉर्मली हमें सोनी के डिवाइसेस में बहुत कम मिलता है। ये सोनी XZ1 है, जो लास्ट मैंने रिव्यू किया था कुछ दिन पहले, वो सोनी XZS था। तो दोनों मोबाइलों को बीच में मिक्स नहीं किया करो, ये XZ1 है, वो XZS था। इसमें स्नैपड्रैगन 835 है, उसमें 820 था, ये 4 GB 64 GB है, वो 4 GB 32 GB था, तो बहुत फ़र्क है दोनों में। जहाँ तक मुझे याद है वो सपोर्ट करता था अल्ट्रा, लेट्स सी ये हमें पबजी में क्या सपोर्ट करता है। फाइनली भाई, पबजी हमारी हो गई स्टार्ट, लेट्स सी हमें ये ग्राफिक्स वगैरह क्या सपोर्ट करता है। मैंने जैसे इसमें पबजी डाउनलोड की थी, देन छोड़ दी थी, मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया खेल के बिल्कुल भी। एंड सबसे पहले चेक कर लेते हैं ग्राफिक, जो हमारा सबसे मेन मकसद है आज का।
ग्राफिक्स की जहाँ तक बात की जाए भाई, ग्राफिक्स सपोर्ट करता है ये, लॉबी ग्राफिक्स चेक करते हैं। HD पे तो अल्ट्रा सपोर्ट कर रहा है, बात होती है स्मूथ की, स्मूथ पे सपोर्ट कर रहा है भाई ये एक्सट्रीम, जो हमारा R2 करता है, X3 करता है, आईफोन करते हैं, सेम वही ग्राफिक्स से सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 11,500 रुपये में आपको एक्सट्रीम मिल रहा है, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे अल्ट्रा, HDR पे अल्ट्रा, बाकी सब पे अल्ट्रा और स्मूथ पे एक्सट्रीम। मतलब मुझे जो उम्मीद थी, मुझे लगा था ये स्मूथ अल्ट्रा सपोर्ट करेगा और बाकी सब पे हाई सपोर्ट करेगा, बट नहीं भाई, ये तो स्मूथ पे एक्सट्रीम सपोर्ट कर रहा है। और ये लॉबी ग्राफिक्स और ये नॉर्मल जो गेम ग्राफिक्स होते हैं ये वो होते हैं, तो वो भी सेम ही होंगे, जाहिर सी बात है, देखो आप लोग के सामने हैं। एंड चलो सबसे पहले चेक करते हैं इसे TDM खेलकर, लेट्स सी में TDM में क्या सपोर्ट करता है, जेरो वगैरह कैसे है वो चेक कर लेते हैं। ग्राफिक्स में तो अभी तक बहुत अच्छे ग्राफिक्स सपोर्ट किए हैं इसने भाई, मतलब उम्मीद से ज़्यादा ही सपोर्ट किए हैं। आप लोग को भी प्राइस देख के तो यही लगा होगा भाई हमें अल्ट्रा सपोर्ट करेगा, बट ये तो भाई हैवी ड्राइवर निकला, इसने एक्सट्रीम सपोर्ट किए। एंड अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका हॉट ड्रॉप टेस्ट करूँ, कमेंट में मुझे बता देना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके हॉट ड्रॉप की आ जाएगी, बहुत जल्द इसका हॉट ड्रॉप भी हम अपलोड कर देंगे। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक हुए तो हम लोग उसी दिन इस पे हॉट ड्रॉप अपलोड कर देंगे। तो अब आप लोग का काम है, आप लोग कब 500 लाइक पूरे करते हो। अच्छा इसका जेरो ऑन नहीं है, मैं इसका जेरो ऑन कर लेता हूँ। जहाँ तक इसके जेरो की बात की जाए, तो अपडेट के बाद सब कुछ चेंज हो गया। ये रहा जेरो, जेरो मैंने कर लिया ऑलवेज ऑन पर, एंड कंट्रोल मेरे वही हैं जो पुराने होते मेरे हमेशा हर एक डिवाइस पे। ब्राइटनेस कर लेते हैं फुल, अभी तक 97% बैटरी है, मतलब जब मैंने पबजी स्टार्ट की थी रिव्यू करना आई थिंक 99 थी या 98 थी, अभी तक 97 है। लेट्स सी इस TDM के बाद क्या कितनी बैटरी बचती है, 10 मिनट के हम TDM खेलेंगे ठीक है, तो पता चल जाएगा कि बैटरी कितनी ये गिराता है। एंड जहाँ तक सबसे पहले जेरो की बात की जाए भाई, जेरो चेक करो, जेरो में कोई डिले नहीं, कोई कुछ चक्कर नहीं जेरो का, ये देखो ठीक है। एंड उसके अलावा चेक करते हैं कि ये स्प्रे वगैरह में कैसा है, एक तो गया, दो गए, थोड़ी बहुत गेम खेलेंगे उसके बाद डायरेक्ट ना स्प्रे मारेंगे, ताकि आप लोग को स्प्रे का भी अंदाजा हो कि जेरो वगैरह कंट्रोल होता है कि नहीं होता, क्योंकि आप लोग को थोड़े बहुत स्प्रे मतलब फाइट से ही अंदाजा तो हो ही जाएगा जेरो वगैरह कैसा व्यवहार कर रहा है। और मैं तो ऑलवेज जेरो पे खेलता हूँ, तो कोई शक्ल ही बात ही नहीं है, अगर जेरो नहीं होगा मैं खेल ही नहीं पाऊँगा। अच्छा अच्छा मारा इसने भी यार, डैमेज मैंने भी दिया बट वो ज़्यादा अच्छा मार गया। एक्चुअली हैंड कैम के वक्त खेलना ही बहुत मुश्किल होता है, मैं बहुत मुश्किल से खेलता हूँ, मतलब एक जगह हार्ड टिकाए खेलते रहो, नॉर्मल में तो आप ये किसी भी तरीके से खेलो। ये क्या, ये बिना हैंड फ्री खेल रहा है, ओ भाई ओपी हेड लगा भाई, बच गया। अरे भाई पीछे से, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप हेड मारते हो तो आप लोग को ये आवाज़ साउंड देता है टंग का, जिससे आपको पता चलता है भाई आपका हेड लग गया, बंदा लो है या नहीं लो। अरे भाई यहाँ से मार गया, 86 डैमेज मैंने उसको दे दिया था। एंड चलो आप लोग फायर तो देख ही रहे हो, तब तक मैं साथ में थोड़ा स्प्रे वगैरह ही मारता हूँ। एंड ये हमारी M4 आ गई, देखो भाई ये देखो स्प्रे चेक करो, ये देखो अभी मेरा हाथ भी लिटरली सही सेट नहीं है, बट स्प्रे में कोई कमी नहीं, 0-0 वो है डिले है, ये देखो कैसा स्प्रे हो रहा है, मतलब ये कम से कम 300-400 मीटर मेरे दूर है जितना जहाँ मैं मार रहा हूँ। देखो टन की आवाज़ आई, फिर हेड लगा इसको, मैं जरा इसका पीक भी ऑन करता हूँ, देन मैं और दिखाता हूँ, क्योंकि हमेशा जब पीक करके आप फायर करोगे ना तो पीक से ये वो करेगा, पीक से आपका रिकॉइल कम करेगा हमेशा, ये देखो पीक से आपका रिकॉइल हमेशा कम होगा, हमेशा याद रखना जब भी स्प्रे करते हो। ये बैठे क्राउच पीक पीक, ये रहा अबे राइट पीक कहाँ है, ये रहा राइट पीक, अब देखो रिकॉइल 0 रिकॉइल है, बहुत दूर मैं स्प्रे कर रहा हूँ, दिखाता हूँ शायद मार्क हो जाए कितना दूर दूर है, ये तो शो ही नहीं कर रहा, 10 मिनट शो कर रहा है, चेक करो कैसा स्प्रे हो रहा है, मतलब बिल्कुल लिटरली कोई फील ही नहीं हो रहा कि मतलब कुछ जेरो में डिले है कुछ भी है। देखो सर आप लोग के सामने दिखाता हूँ, ये देखना थोड़ा सा कैमरा सेट करता हूँ मैं, ताकि आप लोग को फुल क्लियर हो कि किस तरह का स्प्रे हो रहा है, ये देखो चेक करो, मतलब ऑन पॉइंट स्प्रे जा रहा है, जहाँ मैं पहाड़ के ऊपर स्प्रे मारना चाह रहा हूँ वहीं पर स्प्रे जा रहा है, कहीं और जा भी नहीं रहा, ये देखो। और मेरा ये देखो थंब वगैरह सब, मेरा टाइम है, एमओ ही ख़त्म,
अगेन दिखाता हूँ, मार के देखो, मैं हाथ उठा के दिखाता हूँ, हाथ में डाटा है दोनों, ठीक है ये चेक करो। और मैंने ग्रिप भी नहीं लगाई, लेज़र यूज़ कर रहा हूँ। अरे भाई ऐसे तो खैर भाई, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि कैसे इस पर स्प्रे वगैरह और कैसा कुछ हो रहा है। चलो बेटा छुट्टी। मेरा इसमें एक्चुअली हाथ भी सेट नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी गेम हो रही है तो आप लोग का अंदाज़ा हो ही रहा होगा। बात यह है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 11,500 रुपये में और क्या चाहिए आप लोग को, लिटरली इससे अच्छा क्या मिलेगा आप लोग को। और ये थोड़ी बहुत यूज वैसी होती है, न्यू तो होती नहीं है, ये बाहर से यूज़ हो कहती है। कंडीशन आप लोग के सामने है, देख लो, बिल्कुल फ्रेश नहीं मिलती, थोड़ा बहुत बॉर्डर शॉर्डर हल्का फुल्का रफ होता है, क्योंकि यूज़ जो ऐसे से कोई रिफर्बिश माल तो है नहीं जो बॉडी वॉडी चेंज करके तो बिल्कुल न्यू हो जाए। थोड़ा बहुत यूज़ होती है डिवाइसेस भाई बाहर की। ये मेरे स्लाइड भी ऑन है, एक तो स्लाइड ऑन से ये कि अगर आप क्राउच करोगे तो वो स्लाइड मार जाएगा, ये नुकसान होता है। तो खैर भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ तो आई गई, अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका हॉट ड्रॉप करूँ तो मुझे कमेंट में लाजमी बता देना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके हॉट ड्रॉप पर आ जाएगी। आप लोगों ने इस वीडियो पे 500 लाइक पूरे करने हैं। अब दो भाई को इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। एंड भाई एक और चीज़ मुझे भी याद आई कि मैं बैटरी चेक करनी थी, ये चेक करो भाई, 10 मिनट की DDM के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 3% बैटरी गिरी है। लिटरली मैंने नहीं देखा आज तक, ना सोनी में ना एक्वास में, कि इतनी कम बैटरी गिरी। ये देखो सिर्फ 3% बैटरी गिरी है पूरे एक TDM के बाद। तो भाई ओपी चीज़ है। अब मैं आप लोगों को अगेन, मुझे एकदम याद आया कि भाई मैंने आप लोगों को बैटरी नहीं दिखाई, तो चलो भाई अब मैं चलता हूँ अगेन, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।